5 अगस्त का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। समस्त हिंदू समाज के लिए यह एक महान पर्व है। जी हाँ, क्योंकि कल श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बुलाए गए साधु संत अयोध्या पहुंच गए हैं। 4 अगस्त को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र गिरी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य युग पुरुष परमानंद जी, जगत गुरु पंचानंद, महामंडलेश्वर बालकृष्ण, दलित महामंडलेश्वर कन्हैयानंद प्रभु, श्री महंत पुष्कर गिरी, महंत इच्छा गिरी, महंत अरुण भारतीय, महंत चेतन गिरी, महंत माधवेंद्र, महंत मुकेश पुरी, अटल अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री बलकानंद गिरिजी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव जी, स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, साध्वी रितंबरा जी, दिल्ली संत महामंडल के महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी आदि संतगण पहले ही पंच दशनाम जूना अखाड़े के स्वर्ग आश्रम में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर चल रहे रामायण पाठ में शामिल। गुरु जी काफी उत्साह, काफी उमंग पर अयोध्या में हर जगह रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और अद्भुत दृश्य है। हम लोग सब अयोध्या आए हैं, अयोध्या आज राम में हो रही है। हर जगह राम का जाप हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। आज का दिन, कल का दिन हम लोगों के लिए एक अच्छा रहेगा। और उसके बाद सभी पौड़ी सरयू नदी के घाट पर गए और वहां जल का आचमन और सरयू नदी में पुष्प अर्जित कर राम मंदिर निर्माण की कामना की। प्रश्न शोभानो वेद थे खोजग माया समर्पया में भूरभुवा स्वा सरयोदाय नमः राम जय हनुमान जी महाराज। इस मौके पर जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक श्री महंत हरिगिरी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के स्थान को सही बताते हुए निर्णय दिया है और अब कोई विवाद नहीं रह गया है, लेकिन राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे कहने वाले कार सेवकों पर पूरे देश में मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में जब देश की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भूमि पूजन भी हो रहा है तो सरकार को अब इन मुकदमों को समाप्त कर देना चाहिए। गुरुजी, आप लोगों को मौका मिला है इस बार राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में, क्या कहना है? राम जन्मभूमि में आप लोग शामिल हो रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं और काफी बड़ा आयोजन है, क्या कहना है? कुछ हम बोलते हैं पहले एक मिनट, ऐसा कि आज जो हम लोग सबसे बड़ी हजारों बरस हजारों हिंदू सनातनी और धर्माचार्यों का जो कि कितने शहीद हुए हैं उनका नाम भी नहीं है, पुलिस उनकी थी, अधिकारी उनके थे, उनके नाम पे नहीं दर्ज किए गए हैं, सरकारें उनकी थी और सब कुछ था। ये तो समझिए कि जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करें सब कोई, इसलिए ऐतिहासिक क्षण था अपने आप में, जो कि आज जो है हजारों बरस जो मेरे पूर्वज इंतजार करते चले आ रहे हैं, मरते रहे पर जय श्री राम बोलते रहे, नछावर होते रहे पर जय श्री राम बोलते थे। आज महाराज जो पुरुष परमानंद जी महाराज जो सन्यासियों के कुल भूषण है, धर्मा के प्रतीक, इस जुझारूपना में राम के क्षण में जो महाराज ने मानसिक शारीरिक धन भी दिया अपने शिष्यों को दिया, शिष्यों को दिया और जैसे कि अनेक प्रकार का इस जगह सफल करने में महाराज का सन्यासियों में सब लोग थे, वामदेव भी थे और हजारों महात्मा थे जो गिनती में नहीं थे, अगर महाराज के जो योगदान है अपने आप में ऐतिहासिक, इसलिए महाराज को आज क्षण में हम लोग प्रणाम करता हूँ और महाराज जी के माध्यम से आज ये संकल्प करते हैं जितने भी राम सेवकों को ऊपर या रामलला में जाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, चाहे मायावती जी थी चाहे मुलायम सिंह जी थे जिनके भड़काऊ भाषण में गिरफ्तारी हो गई है, उनके ऊपर मुकदमा
आज हम लोग वापिस लेने का भी संकल्प करते हैं। जितने भी कार सेवक है उनके सबके मुकदमे वापिस किए जाएंगे। गुरुजी आप बहुत बड़ा योगदान राम जन्मभूमि को लेकर क्या कहना है, क्या इस मौके पर कहेंगे? आप आओ ना इधर, बोले आप आओ इधर। एक समय हिंदू समाज इकट्ठा नहीं रहा, मुगल बादशाहों ने हमारा मंदिर गिराया था। एक दिन वो था जब वो मंदिर गिराकर जो मस्जिद बनाई गई थी उस कलंक का ढांचा हटाया, वो दिन बहुत खुशी का था। दूसरा खुशी का दिन ये है कि मंदिर था जहाँ पर, वहीं अब मंदिर बनने जा रहा है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और सारे देश के जनता तो प्रसन्न है, संत बहुत बहुत प्रसन्न हैं, और उस दिन ये और खुशी का दिन होगा जब मंदिर भव्य बन जाएगा। तब तक कोरोना की समस्या भी हल होगी और सारे देश के लोग, विदेश के लोग भी दर्शन करेंगे, भगवान को वहाँ विराजमान होते। ओम शांति शांति। इसके बाद सभी राम मंदिर पहुंचे, जहां राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल होने के कारण दर्शन नहीं हो सके और सभी ने हनुमान गढ़ी में दर्शन किए। सभी संतों का राम जन्मभूमि के पक्षकार हनुमान गढ़ी के श्री महंत धर्मदास जी महाराज ने स्वागत किया। राज महाराज की चौकी हनुमत भी। मामला यह है, हनुमान जी को महत्व इसलिए है, भगवान राम और समस्त देवी देवताओं ने जब प्रस्थान किया वैकुंठ के लिए, तो हनुमान जी को अयोध्या को छोड़ा गया कि हे हनुमान जी, लव कुश को सबको हाथ पकड़ाकर हनुमान जी से कहा गया कि आप कब तक परलोक के समय तक यहाँ रहकर मेरा प्रचार प्रसार कीजिए। ये वाक्य किसका? भगवान राम नारायण का। तो स्वयं उनके आदेश से हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बीच में रमते रहते हैं, जैसे हम में राम, तुम में राम, घट घट में राम, एक राम का जगत पथारा, एक राम दशरथ का बेटा। इसलिए उस राम परम पिता परमेश्वर ब्रह्म का आदेश है कि हनुमान जी प्रचार प्रसार करते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी को अयोध्या छोप कर ही वैकुंठ के लिए पधारे। 492 सालों बाद श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन देश के लिए और सभी हिंदुओं के लिए हर्ष और खुशी की बात है। राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प लेने वाले अशोक सिंघल जी और अन्य ब्रह्मलीन संत विभूतियों का संघर्ष विजय हुआ। सभी को संतों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दिया। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, मोदी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कहना है? देखिए 492 सालों बाद पूरे विश्व के सनातनियों का सपना पूरा हुआ है। हम बहुत भाग्यवान पीढ़ी हैं जो शिलान्यास और राम मंदिर बनता हुआ देखे। मैं पूरे विश्व के सनातनियों का आह्वान करता हूँ कि कल का दिन दीपावली की तरह मनाएं, अपने घरों पे दीपक, छतों पे, घरों पे लगाएं, ताकि पूरे विश्व में एक संदेश जाए, ये तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट ibn9.live। वेदाथे खोजग माया समर्पया मे भूरभुवा स्वा सरयो दायै नमः राम जय जय हनुमान जी महाराज।